अच्छा, हम 2-3 मिनट का वेट लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, जब तक कि बाकी सब हजरात भी ज्वाइन कर लें। इसमें हमने देख लिया कि जब मार्क्स 50 से कम हुए तो ये जो हमारा ट्रू वाला ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और जब ये मार्क्स 50 से ग्रेटर होंगे तो ये ट्रू वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिलसिला होता है हमारा इफ के केस का, कि जब आप इफ लगा देते हैं तो उसके आगे जो भी आप कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू अगर हो जाती है, जिस तरह मेरे वाले केस में था कि मैं पोर्ट्स में जाके चेक करता हूँ कि अगर तो बारिश हो रही है तो फिर वो जो मेरा छतरी उठाने वाला कोर्ट का पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर बारिश नहीं हो रही तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और मैं घर से आउट हो जाऊँगा। ठीक है, तो ये थी सादी सी एग्जाम्पल। अब हम इसके अंदर एक छोटा सा नेक्स्ट वाला पार्ट अभी सॉल्व करेंगे, और देन फिर मैं आप लोगों से जो है ना क्वेश्चंस लूंगा, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को आज ही एंड कर देंगे। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि कल रात तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे तरीके से। फिर जो थर्ड पोर्शन था ना हमारी स्लाइड एल्स इफ, उसको फिर हम ना लेटर ऑन कल डिस्कस करेंगे, ताकि इकट्ठी 3 कम्प्लेक्सिटीज का सामना आप लोगों को ना करना पड़ जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ वापस। यहाँ पे ना थोड़ा सा कुछ और ऐड हो रहा है। पहले हमारे पास बूलियन टेस्ट के बाद सिर्फ ट्रू वाला केस था और वो मतलब एग्जीक्यूट हो जाता था। अब हम अपने प्रोग्राम को ये बताना चाह रहे हैं कि भी ट्रू वाला तो काम हमने कर लिया कि हमने कंडीशन चेक करवाई, और अगर वो ट्रू थी तो आपने कुछ कर लिया। फवाद फवाद अहमद भाई, आप अपना एक मिनट में आप लोगों के माइक का कंट्रोल आप लोगों से वापस ले लूं। अच्छा, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमने कंडीशन के फॉल्स होने के ऊपर भी कुछ खास काम करवाना हो तो फिर हम क्या करेंगे। अब हम अपने वो बारिश और बरसात और सावन के मौसम से बाहर निकल आते हैं, और ये जो हमने लास्ट एग्जांपल ली है ना कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो हमने उसको कंग्रेचुलेट कर लिया, तो अब हम चाह रहे हैं कि वो तमाम हजरात जो मेहनत नहीं करते और उनके मार्क्स अब 50 से कम आए हैं, उनकी हम थोड़ी सी क्लास भी ले लें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने उसी प्रोग्राम में जो भी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था उस प्रोग्राम में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करेंगे कि अगर तो वो ऑलरेडी ये काम तो कर रहा है कि अगर लोगों के मार्क्स 50 से ऊपर हैं तो वो कुछ उनको कंग्रेचुलेट कर दे, विश कर दे। अब हम चाह रहे हैं कि अगर उन लोगों के मार्क्स 50 से कम हैं उस स्टूडेंट के जिसकी हम अभी डाटा पे काम कर रहे हैं, तो वो उसके थोड़े से कान भी खींच ले। ठीक है, तो इस सूरत में क्या किया जाता है कि इस सूरत में हम फॉल्स का एक ब्लॉक ऐड कर देते हैं। जैसे हमने ट्रू का ब्लॉक ऐड किया था ना कि ट्रू वाले केस में आप ये कमांड एग्जीक्यूट करा दो, इसी तरह से हम फॉल्स वाला ब्लॉक भी ऐड करवा देंगे, और अब क्या होगा कि जब प्रोग्राम आएगा ये यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का होल है, तो यहाँ पे आगे बूलियन टेस्ट होगा, वो चेक करेगा कि जो बूलियन टेस्ट में हमने कंडीशन दी है वो ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है। अगर वो ट्रू हो रही होगी तो वो ट्रू वाले सेक्शन में जाएगा और ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा के अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन रिज्यूम करना शुरू कर देगा, और अगर फॉल्स ब्लॉक वाला मतलब अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई है, फॉल्स हो गई है ट्रू नहीं हुई, तो वो फॉल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा और फॉल्स ब्लॉक में जो कुछ लिखा हुआ है ना उसको एग्जीक्यूट करा देगा। अब इसको हम एज ए एग्जाम्पल अपने उसी स्टूडेंट वाले केस में लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, वो स्टूडेंट के हम मार्क्स देंगे, मार्क्स देने के बाद जो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो वो चेक करेगा कि मार्क्स जो हैं वो 50 से ज़्यादा हैं या नहीं, अगर तो ज़्यादा हैं तो ट्रू वाले केस में आएगा और यहाँ पे उसको कंग्रेचुलेशंस यू आर पास वगैरह कह के फिर आगे यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे लिखा आ रहा होगा प्रोग्राम एंड्स और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। फिर अगर कोई और स्टूडेंट आता है जिसके मार्क्स 50 से कम हैं तो वो फॉल्स वाले केस में चला जाएगा, यहाँ पे हम उसे कहेंगे कि भाई आप तो फेल हो गए, तो उसके बाद फिर ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है,
इसको हम जरा प्रैक्टिकली डाल के देखते हैं। और इस काम को करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने इफ लगाया था और आगे बूलियन कंडीशन दी थी, उसके बाद हमने ट्रू वाला ब्लॉक डाला था, तो अगर हमने फॉल्स के केस में भी एक्टिविटी करनी हो, तो हम जहाँ पे ट्रू वाला ब्लॉक खत्म हो रहा होता है उसकी कर्ली ब्रैकेट के बाद लिखते हैं एल्स, ठीक है। और एल्स लिखने के बाद फिर दोबारा से दो कर्ली ब्रैकेट डालते हैं, तो वो हमारा फॉल्स वाला ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है, इफ और एल्स में क्या होता है कि आप इफ लिखते हैं, उसके बाद आगे बूलियन कंडीशन देते हैं, उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और उसमें जो कुछ लिखते हैं वो ट्रू वाला ब्लॉक होता था, ट्रू के केस वाला ब्लॉक, कि उस ब्लॉक में आपने जो कमांड लिखी होंगी वो ट्रू के केस में अकर हो रही होंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पे वो ट्रू वाला ब्लॉक खत्म हो रहा है उसकी एंडिंग कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद एल्स लिखेंगे, ELSE else, और देन फिर हम एक नया ब्लॉक बनाएंगे, एक दो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उन दो कर्ली ब्रैकेट्स के दरम्यान में हम जो भी लिखेंगे वो फॉल्स वाला ब्लॉक कंसीडर होगा, और वो तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी वो जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं अपने कोड की तरफ वापस। तो ये देखें, ये हमारा ट्रू ब्लॉक था, इफ हमने लिखा हुआ था कि मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 50 हैं, तो वो क्या करें, अब हम चाह रहे हैं कि अगर उसके मार्क्स 50 से कम हैं तो भी वो उसको कुछ मैसेज दे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स। देखिए, मैंने वो कहा था कि जहाँ पे ये ट्रू वाला ब्लॉक था ये यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा एल्स, उसके बाद एक और कर्ली ब्रैकेट का सेट लगाया, ठीक है। और यहां पे मैं कह रहा हूं प्रिंट एलन, यू फेल्ड द एग्जाम, अब देखें पहले जब हमने ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था, तो अगर तो स्टूडेंट्स के मार्क 50 से अबव होते हैं तो वो उसको मैसेज करता था यू पास द एग्जाम और कंग्रेचुलेशंस, और फिर उसके बाद ये प्रोग्राम यहाँ आ जाता था और वो कहता था प्रोग्राम एंड वाली लाइन एग्जीक्यूट करता था और प्रोग्राम खत्म हो जाता। लेकिन अगर स्टूडेंट के प्रोग्राम 50 से कम हो, जैसा कि हमने लास्ट टाइम चला के देखा था, तो उस सूरत में वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करता था, क्योंकि उस वक्त फॉल्स वाला ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता था, ठीक है। अब आप देखें, हमने एल्स लगाकर एक फॉल्स वाला ब्लॉक बना लिया, ठीक है। यहां से ये फॉल्स वाला ब्लॉक स्टार्ट हो रहा था और इस लाइन में ये फॉल्स ब्लॉक एंड हो रहा है। देखिए, मैंने कमेंट्स की भी प्रैक्टिस कर दी कि हम किसी लाइन ऑफ कोड में किसी जगह पे अपने कोई कमेंट्स लिखना चाहें कोड को मजीद क्लैरिफाई करने के लिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स का, इसकी टाइप थी I32, उसके अंदर मार्क्स डाल दिए किसी स्टूडेंट के, तो सपोज जो हमारा पहला स्टूडेंट था उसके मार्क्स थे 80 आउट ऑफ 100, ठीक है, तो 80 मार्क्स लिए थे। अब हमारी कंडीशन क्या है, हम कहते हैं कि वो तमाम स्टूडेंट जो 50 से ज़्यादा मार्क्स लेंगे 51 एंड अबव, ठीक है, वो पास कंसीडर होंगे और उनको हम विश करेंगे, तो उनको बताएंगे भी कि भाई आप पास हो गए, और अगर वो 50 से कम नंबर लेंगे तो हम उन्हें कहेंगे भाई आप फेल हो गए और आप बेटर लक नेक्स्ट टाइम में। और जब ये वाला काम हो जाएगा, अब इन दोनों में से एक वक्त में एक ही एग्जीक्यूट होगी, या तो स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा, और ये कैसे डिसाइड हुआ होगा कि पास है या फेल है, ये इस कंडीशन की वजह से डिसाइड होगा कि अगर उसके मार्क्स जो हैं उनकी वैल्यू 50 से ज़्यादा है या नहीं, ठीक है। तो अगर वो 50 से ज्यादा होगी तो ये ट्रू वाले ब्लॉक में आ जाएगा, ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और फिर प्रोग्राम की जो स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन है ना, यहाँ से ऑनवर्ड कंटिन्यू कर देगा। और अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 से कम है तो फिर वो एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा, यहाँ पे जो फॉल्स वाला ब्लॉक है इसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम ना ये दोनों सिनेरियोस को रन करके देखेंगे। पहले हमने कहा कि पहला स्टूडेंट आया हमारे पास जिसके मार्क्स हैं 80, ठीक है, तो
तो हम 80 वाले स्टूडेंट के लिए हम ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं और देखते हैं प्रोग्राम हमें क्या कहता है। तो देखें चूंकि हमारे पहले स्टूडेंट के जो मार्क्स हमने डाले हैं वो थे 80, तो प्रोग्राम ने हमें कहा यू पास द एग्जाम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये डाटा आया है हमारे ट्रू वाले ब्लॉक से और फिर प्रोग्राम की स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन आगे कंटिन्यू हुई है और उसने कहा जी प्रोग्राम एंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं वापस अपने कोड में और हम दूसरे स्टूडेंट का डाटा डालते हैं और उस स्टूडेंट ने मार्क्स लिए थे 30। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे उस 30 मार्क्स वाले स्टूडेंट के लिए और देखेंगे कि अब यह प्रोग्राम उस स्टूडेंट को क्या जवाब देता है। तो देखें अब ये चूंकि प्रोग्राम जो रन हुआ तो उसने जाके अगले स्टूडेंट के मार्क्स देखे, तो वो हमने दिए थे 30। तो 30 के हिसाब से उसने देखा कि कंडीशन तो फॉल्स हो गई है क्योंकि मार्क्स तो 50 से ज़्यादा होने चाहिए थे, 50 से ज़्यादा। तो अब उसने हमें क्या किया कि फॉल्स वाले ब्लॉक में ले गया। फॉल्स वाले ब्लॉक में जो दो प्रिंट एलिमेंट लगे हुए थे वो थे यू फेल्ड द एग्जाम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये प्रिंट किए। और ये देखिए ये प्रोग्राम एंड, ये जो आपकी नॉर्मल वाली एग्जीक्यूशन होती है ना, ये फिर आगे कंटिन्यू हो जाती है कि जब आपका प्रोग्राम कंडीशन को वैल्यूएट करता है तो वो देखते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। हम वापस कोड में जाके देखते हैं, ठीक है, और फिर वो कंडीशन की बेस पे अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो सिर्फ ट्रू वाला ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट करवाते हैं और उसके बाद यहां से ऑनवर्ड नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करवा देगा। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स साबित हो जाती है तो फिर वो एल्स के बाद जो फॉल्स ब्लॉक लगा होता है उसको चला देते हैं और उसको चलाने के बाद प्रोग्राम की नॉर्मल एग्जीक्यूशन को कर देता है। ठीक है, कंटिन्यू। तो यहाँ से हमारी नॉर्मल कंटिन्यू, ठीक है, और यहाँ पे हमारी वो बूलियन कंडीशन जो है वो चेक हो रही है। ठीक है, तो प्रोग्राम थोड़ा सा इसकी आपको कमेंट्स के साथ में विजिबिलिटी हाई कर रहा हूँ कि यहाँ से ये बूलियन कंडीशन आ गई है, उसके बाद इसका ट्रू ब्लॉक आ गया और उसके बाद ये एल्स के बाद इसका फॉल्स ब्लॉक आ गया और यहाँ से फिर नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो प्रोग्राम की है वो कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज हमने अभी देख लिया, नंबर एक तो कमेंट्स देख लिए हम कैसे ऐड कर सकते हैं और नंबर टू हमने इफ का इस्तेमाल देखा और इफ के बाद हमने देखा कि एल्स भी हम कैसे लगा के प्रोग्राम को ट्रू और फॉल्स दोनों के केस में अलग अलग रिस्पॉन्ड करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों के माइक ऑन करवा रहा हूँ, अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप बिला तकल्लुफ पूछ सकते हैं, वरना फिर हम सेशन को एंड करेंगे और कल इंशाल्लाह वो जो फिर नेस्टेड इफ होता है कि इफ द रिफ द रिफ, उसको देखेंगे और उसके लिए हमको अच्छी सी एग्जाम्पल सोच के रखेंगे और फिर उस एग्जाम्पल को लेके चलते हुए हम देखेंगे कि हम ये जो इफ एल्स का चक्कर है उसको मजीद पेचीदा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक नज़र देख लूँ सिर्फ कि स्लाइड में कोई नई चीज़ तो नहीं है मजीद इफ और एल्स के हवाले से। तो जनाब इन्होंने वही एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे, जो सर्वर है जो जो स्लाइड शेयर हुई हुई है पोर्टल के ऊपर उसमें ये कोड है, ये आप देख लीजिएगा, होपफुली आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा, बल्कि ये बड़ा इजी सा है कोड कि वो कह रहा है कि लेट नंबर इज इक्वल टू 7। बल्कि एक काम करते हैं, ये सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों के मैं माइक कर रहा हूँ आप लोगों के कंट्रोल में वापस, और आप में से कोई मुझे ये कोड समझाए कि ये जो कोड है ये क्या कर रहा है और यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो शाबाश आप लोगों में से कोई हिम्मत करें, बेशक गलत हो सही हो आप प्लीज पार्टिसिपेट करें। तो जी कौन बताएगा इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है? एनीवन?
हेलो, जी ये प्रोग्राम समझाओ। जी ये प्रोग्राम बता दें कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है और क्या कर रहा है। अच्छा, हम पहले मेन के फंक्शन में आते हैं। उसके बाद हमने नंबर ले लिया, ठीक है। नंबर हमने ले लिया 7। अगर नंबर जो है हम खुद से जो है इसको हम कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि अगर नंबर जो है वो 5 से छोटा है, ठीक है, तो फिर नंबर तो 7 है। 7 5 से छोटा तो नहीं है ना, 5 से तो बड़ा है। तो फिर हम कर लेंगे प्रिंट कंडीशन 1 ट्रू। और ठीक अगर, ठीक है, और अगर जो है अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर ये ट्रू नहीं होती, तो फिर हम एल्स यूज करेंगे। एल्स प्रिंट एलन कंडीशन वाज फॉल्स। और फिर जब आंसर जो है, जब हम इसको कंपाइल करेंगे, तो फिर इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। नीचे वाली जो है बिल्कुल मतलब सही कहा आपने, एक्सक्यूट थैंक होगा। यू सो मच। अच्छा, इसमें बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि हमने एक वेरिएबल बनाया नंबर के नाम से, उसके अंदर वैल्यू 7 स्टोर कर रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोग्राम की कंडीशन चेक की कि वो जो नंबर वेरिएबल बना हुआ है उसके अंदर जाके देखो कि वैल्यू जो पड़ी हुई है वो 5 से छोटी है या बड़ी है। अगर तो 5 से छोटी है तो इस कंडीशन को ट्रू कर दिया जाएगा, तो ट्रू वाले ब्लॉक के अंदर जो भी बातें लिखी हुई है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर वो 5 से छोटी नहीं है, 5 के बराबर है या 5 से बड़ी है, तो फिर एल्स वाले केस वाली चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, अब इस करंट सिनेरियो में जो भी करंट हमारे सामने कोड लिखा हुआ है, इसमें नंबर की वैल्यू, नंबर के अंदर हमने वैल्यू डाली है 7। तो जब हम इफ कंडीशन में आएंगे तो यहाँ नंबर की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 7 लिखा हुआ आ जाएगा इस जगह पे ना। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा 7। तो जब यहाँ 7 लिखा हुआ आ जाएगा तो अब 7 इज लेस देन 5, तो क्या 7 लेस देन 5 होता है? नहीं होता, 7 तो 5 से बड़ा होता है। तो जब हम इस कंडीशन को वैल्यूएट कराएंगे कि इफ नंबर इज लेस देन 5 यानी कि 7 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जो ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली पूरी लाइन या ये वाला जो ट्रू का ब्लॉक है यहाँ तक, ये सारे का सारा स्किप हो जाएगा और कंट्रोल जो है वो एल्स के बाद जो फॉल्स वाला केस है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है ना अब, तो प्रोग्राम फौरन इस फॉल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा और उसमें जो कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट करा देगा। तो यहाँ पे लिखा है प्रिंट कर दो कंडीशन वॉज फॉल्स, तो यही सेम टू सेम चीज देखें, यहाँ पे कंडीशन वाज फॉल्स प्रिंट हो जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। और देन फिर यहाँ पे आगे, चूंकि आगे कोई और खास स्टेटमेंट नहीं थी भी, ये देखें यहाँ पे एल्स का जो ब्लॉक है वो खत्म हो रहा है फॉल्स वाला, इसके बाद आगे कोई स्टेटमेंट नहीं थी भी, ये प्रोग्राम हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल जी ये इस एग्जाम्पल में इसी तरह से रन हो रही है। एक एग्जाम्पल हमने अपनी देख ली स्टूडेंट के मार्क्स वाली, और एक एग्जाम्पल हमने ये वाली देख ली जो कि सर ने दी हुई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लें, वरना फिर हम सेशन को एंड करते हैं। और जो तीसरी हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट है ना, इफ एल्स इफ वाली, उसको फिर हम इंशाल्लाह कल 9:30 या 10 बजे जो भी टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा अर्लियर, तो उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज पूछ लीजिए कमेंट्स के हवाले से और इफ एल्स के हवाले से। चलें जी, आई थिंक सो कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं है तो हेलो जी। जी, मेरा क्वेश्चन है, वो जो अभी आपने से पहले प्रोग्राम लिखा था ना, उसमें आपने U32 यूज किया था, I32। अगर हम उसकी जगह I8 यूज कर लें तो ये यहाँ का। जी बिल्कुल, हम इसमें I8 यूज कर लेते हैं। और अब हम मतलब इसमें फिर चला चला के भी देख लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि I8 की जो वैल्यू है वो 127 तक होती है, ऐसा ही है ना। तो हम इसमें 127 तक का डाटा दे सकते हैं, तो कोई इशू नहीं ठीक होगा। तो चूंकि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे टोटल मार्क्स जो हैं वो हैं 100, तो अब जाहिर है जो बंदा ऑब्टेन करेगा अगर वो बहुत ही ज्यादा लाइक भी होगा तो वो 100 में से 100 ही लेगा ना, वो 100 में से 130 तो नहीं लेगा कि कंपाइलर को कोई मसला होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि चूंकि हमारी इस वाले प्रोग्राम के केस में जो मैक्सिमम
वैल्यू आने का चांस है मार्क्स के अंदर वो 100 होगी, कि अगर कोई बंदा बहुत लाइक है और वो सारे के सारे सवाल बिल्कुल ठीक करता है और उसको 100 में से 100 मिल जाते हैं, तो 100 इज स्टिल कंपेंसेटेड इन दैट टाइप ऑफ वेरिएबल ना i8, क्योंकि i8 की जो वैल्यू है वो -120 + 127 तक होती है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने इसको i8 ला के देखेंगे, ये तमाम हजरात जो साथ म्यूजिक से लुत्फंदोज हो रहे हैं वो अपना फिर माइक भी जो है ना ऑफ ही रखें ताकि हमें वो म्यूजिक ना पहुंचे। तो अब हम चलते हैं अपने उस टर्मिनल विंडो की तरफ और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जी बिल्कुल, ये प्रोग्राम i8 करने के बावजूद भी रन हो गया क्योंकि वो i8 जो है स्टिल हमारी उस रेंज के अंदर है। ठीक हो गया जी, कोई और सवाल है तो प्लीज पूछ ले। बस थैंक यू। चलिए जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम यूँ करते हैं कि आज का सेशन एंड करते हैं। आप लोगों ने करना ये है कि प्लीज साथ 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 प्रैक्टिस जारी रखें। मैं चाहता हूँ कि वो जो बम्बार्डमेंट ऑफ द मतलब स्पेशली ड्यूरिंग असाइनमेंट्स जो है ना इशू हो रहे होते हैं, नंबर एक तो ये कि वो आप लोग को ये कंसेप्ट साथ साथ क्लियर होते चले जाएँ और वो जो इशूज़ हैं वो आपके ख़त्म हो जाएँ। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप यूँ मिसाल समझ लें कि जैसे एक बंदा है ना, ये हम ये कारपेंटर वाला जो काम होता है ना, जो लकड़ी से मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाते हैं, उसमें ना बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, लाइक आरी होती है फॉर द सेक ऑफ कटिंग ऑफ द वुड, इसी तरह फिर एक रद्दा होता है जिससे वो ना लकड़ी को छील के ज़रा मुलायम करते हैं, नरम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कीलें होती हैं, हथौड़ी होती है और वगैरह वगैरह बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ बैठ के या सर इमरान बैठ के आप सब लोगों को एक एक चीज का बहुत आउटलास्ट तरीके से इस्तेमाल सिखा देंगे, आपने हथौड़ी को ऐसे यूज करना है, आरी को ऐसे यूज करना है, रद्दे को ऐसे यूज करना है, कीलें ऐसे लगानी है वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको सारे टूल्स बिल्कुल सही सिखा दें और आप बिल्कुल उनमें एक्सपर्ट भी हो जाएं। उसके बाद अगर आप सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं और उन 100 के 100 स्टूडेंट को हम एक लाइक दरख्त दे दें, सबको एक ही साइज का दरख्त दें, ठीक है, और एक सैंपल के तौर पे हम उन्हें कहें कि अब आप सबके पास ये दरख्त भी आ गया, एक 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 ही साइज़ की लकड़ी आ गई है और आप लोगों के पास टूल्स भी हैं, तो हर बंदा ना अब इस दरख्त को काट के ना इसे एक कुर्सी बना के हमें दिखाए, तो क्या होगा कि टूल्स तो आप सबके पास बिल्कुल सेम टू सेम है, दरख्त भी आपके पास बिल्कुल सेम साइज का आया हुआ है, लेकिन हर बंदा अपने हिसाब से उसकी कटिंग करेगा, वो जो उसने टूल सीखे हैं उनको अपने जहन से यूज करेगा। कुछ लोग होंगे वो कुर्सी बना लेंगे बट वो पूरे का पूरा दरख्त का जो पीस उनको दिया गया था ना वो उस दौरान में यूज कर लेंगे, ठीक है। कुछ लोग होंगे वो कुर्सी भी बना लेंगे लेकिन उनका आधा दरख्त भी बच जाएगा, वो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से उस लकड़ी की कटिंग करेंगे तो उनका वेस्टेज ऑफ द वुड कम से कम होगा, तो वो शायद लकड़ी की कुर्सी भी बना लेंगे लेकिन उनका आधे दरख्त वाला पीस फिर भी बच जाएगा, वो सिर्फ आधे दरख्त की लकड़ी इस्तेमाल करते हुए बना लेंगे, ठीक है। और कुछ होंगे कि वो पूरा दरख्त भी यूज हो जाएगा लेकिन अभी भी वो कह रहे होंगे कि जी हमारी कुर्सी की 3 टांगे बनी है, 1 टांग अभी भी रह गई है, लकड़ी खत्म हो गई है, तो प्लीज हमें और लकड़ी दें ताकि हम जो है ना वो मतलब अपनी कुर्सी पूरी कर सके। सेम इज द वे विद रस्ट, कि यहाँ पे जो इफ की कंडीशन है, कोई फंक्शन है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है, वेरिएबल की टाइप्स हैं, ये सारी चीजें ना टूल्स हैं। अब एट द एंड आपको दिया जाएगा एक क्वेश्चन कि जनाब एक प्रोग्राम बनाएं, वो भले वाइल से बनाएं, भले इफ से बनाएं, भले कुछ भी ना उसमें डालें, कोई सीधी सीधी स्टेटमेंट्स लगा दें, उसका कंट्रोल फ्लो चेंज करें या ना करें, असल जो इशू है वो ये कि आपने आउटपुट हमें वो ला के दिखानी है, ठीक है। अब वहाँ पे फिर आपका यही वाला इम्तिहान आएगा कि आप कितने ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जितने भी आपने टूल सीखे हैं उनको यूज़ करते हुए और रिक्वायर्ड टूल यूज़ करते हुए आप फिर वो प्रोग्राम बना पाते हैं, ठीक है। तो ये काम आएगा आपको प्रैक्टिस में, ठीक है। आप पहली बार बनाएंगे हो सकते थोड़ी सी गड़बड़ कर सारी लकड़ी यूज़ कर दें, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो आपका हाथ साफ होता चला जाएगा तो आपकी वेस्टेज भी कम से कम हो जाएगी और एट द एंड आप बड़े इफेक्टिव किस्म के प्रोग्राम बना लिया करेंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लीज़ प्रैक्टिस करें, कुछ ही समझ नहीं आती तो मैं और मेरे बाकी जो साथी हैं जो थोड़े से इस प्रोग्रामिंग के हवाले से थोड़े से आगे हैं, हम सब लोग आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हैं, और हमें कोई समझ ना आ रही है तो हम आप लोगों को कॉल करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग भी पढ़ लें ताकि हमें भी
کبھی کچھ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو ہم آپ لوگوں کو زحمت دیں. ٹھیک ہے جی, بیسٹ آف لک اللہ تعالیٰ. سر ایک کوشچن ہے, فیرو جی کوئی سوال ہے؟ ہاں وہ اس سیشن سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے نا, دراصل میں نے کورس لیٹ جوائن کیا نا بی اے والا. اچھا آپ یوں کریں نا اس کے بعد مجھے نا واٹس ایپ کر دیجیے گا پھر. ٹھیک ہے چلو. اوکے کوئی اور کوشچن؟ لیکن جی ایک کوشچن ہے ریلیٹڈ اور اسپیشلی سیشن میں کمنٹس اور اف سے ریلیٹڈ. ہلو جی جی. اچھا یہ کوشچن یہ تھا کہ یہ جو ابھی آپ نے کیا نا لیٹ مارکس آئی 8 از ایکول ٹو 30. جی جی. اچھا یہ تو ایک طریقہ ہے, لیکن جو ہم خود سے مطلب اس کو کال کریں, مطلب ہم مارکس جو ہے آؤٹ پٹ میں بتائیں کہ فار ایگزامپل آؤٹ پٹ میں سے بتائیں 30, ان پٹ میں بتائیں. نہیں نہیں مطلب یہاں تو آپ نے ڈیفائن کر دیا نا, لیکن ہم جب پروگرام رن کریں تو ہم سے پوچھے کہ انٹر یور مارکس. جی اس کو ان پٹ کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے وہ یوزر ان پٹ, وہ اس میں کس طرح ہوگا؟ وہ نا سر نے ابھی آپ کو نا اسائنمنٹ میں بھی ریفر کیا تھا, پھر سیشن میں بھی ریفر کیا تھا, ابھی سر نے ان پٹ پڑھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے تو سر نے صرف یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ چیپٹر نمبر 2 میں جائیں, چیپٹر نمبر 2 اپنی بک کا کھول لیں, اس کے اندر ان پٹ کا کوڈ ڈالا ہوا ہے, اور وہاں سے وہ فی الحال وہ جو ان پٹ کوڈ لینے والی لائن ہے نا وہ کاپی پیسٹ کر کے اس کو یوز کر لیں اور اپنی اسائنمنٹ بنا لیں. یا سر نے پھر نا جو اپنا جو گوگل ڈرائیو کا لنک دیا ہوا ہے نا, وہ ہمارے گروپ کے اوپر بھی شیئر ہوا ہوا ہے, وہاں پہ بھی سر نے ایک ان پٹ کا سیمپل پروگرام بنا کے رکھا ہوا ہے, وہاں سے ان پٹ والا کوڈ کاپی پیسٹ کر لیں, فی الحال یوز کر لیں اسائنمنٹ کے لیے, اور دین پھر جب سر ٹائم آنے پہ پڑھائیں گے نا تو اس وقت یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو چونکہ سر نے ابھی نہیں وہ پڑھایا ہوا, اس لیے ہم بھی اس کو اپنے سیشنز میں ڈسکس نہیں کر رہے, سیشن میں وہی چیزیں ریویو کر رہے ہیں جو آلریڈی سر پڑھا چکے ہیں. ٹھیک ہے تو فی الحال وہ ان پٹ لینے کے لیے جس میں آپ کو بتایا کہ ہمارا پروگرام چلے تو وہ ہم سے پوچھ لے کہ بھائی آپ کے کتنے مارکس ہیں, تو ہم اس کو مارکس بتائیں, تو وہ پھر اس کے حساب سے ڈیسائڈ کرے کہ میں فیل ہوں یا پاس ہوں جتنے میں نے مارکس دیے ہیں. اس کے لیے میں وہ ان پٹ کا سیمپل کوڈ ڈالنا پڑے گا. فولڈر بنا ہوگا نا اس کا کوڈ بھی پڑا ہوگا, اور ویسے آپ جو رسٹ کی بک ہے نا اس کا چیپٹر نمبر 2 کھولیں, چیپٹر نمبر 2 میں جو سیمپل پروگرام اس بک کے اندر شیئر ہوئے ہیں نا اس کے اندر انہوں نے وہ ان پٹ کا وہ کوڈ ڈالا ہوا ہے کہ آئی او کالن کالن ریڈ ایل این, اس طرح کی وہ لائن ہے, تو وہ بس آپ جسٹ لائن کاپی پیسٹ کر لیں. ٹھیک ہے چلیں. ٹھیک ہے ہم لوگ کیونکہ جسٹ ریویو کر رہے ہیں نا, تو میں نہیں چاہتا کہ میں کچھ چیزیں مطلب ایکسٹرا پڑھاؤں اور پھر بعد میں جب سر پڑھا رہے ہوں تو کوئی اسٹوڈنٹ کہ نہیں وہ جو فیصل بھائی تھے انہوں نے تو اس طرح کہہ رہے تھے یا کوئی اور الٹی سیدھی چیز سمجھ آ جائے, تو ہم جسٹ وہ چیزیں ریویو کر رہے ہیں جو آلریڈی ہم کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں, اس سے آگے نہیں جا رہے. تو سر نے ویسے وہ آپ فکر نہ کریں, اب تو اسائنمنٹ کا خیر وہ ٹائم بھی ختم ہو گیا اب سارا کچھ ہے, ابھی سر نے ایکچولی وہ ان پٹ لینا پڑھانا ہے. ٹھیک ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, وہ ان شاء اللہ میں بھی سیکھوں گا آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر. چلیں جی اپنا خیال رکھیے گا. آپ جو بھائی آپ سے پہلے سوال کر رہے تھے جن کا اس سے ریلیٹڈ سوال نہیں تھا نا, وہ مجھے نا ابھی گروپ کے اوپر یا ادھر نا جو مجھے ڈائریکٹ واٹس ایپ کر دیں, میں پھر ان سے پھر بھی بات کر رہا ہوں گا. ٹھیک ہو گیا نا. چلیں تھینک یو سو مچ جی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.